नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आखिरकार हिंदुस्तान में असंभव को संभव करने का मिशन शुरू हो गया है। इस पैमाने पर दुनिया में कहीं कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान नहीं चल रहा है। आज पहला टीका लग गया। हर एक राज्य के अलग अलग शहरों में टीकाकरण का ये अभियान चल रहा है और हर जगह कामयाबी की और हिम्मत की एक नई कहानी लिखी जा रही है। लोग यहाँ पे जो जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, जितने भी स्टाफर्स हैं, ये सारे काफी एक्साइटेड हैं कि आज उनको वैक्सीन का टीका लग रहा है। अभी बहुत सारे और लोगों को भी वैक्सीनेट करना है। पीछे यहाँ पर इनका स्टाफ इनके साथ खड़ा है। कोरोना का जो पहला वैक्सीन इनको लगाया गया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनसे बातचीत की है। वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी लेकिन वैक्सीन इतनी जल्दी आ जाएगा किसी को यकीन नहीं था। LNGP अस्पताल में 4000 हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीन लगाई जानी है। फिर आपको यहाँ आना होगा, यानी डॉक्टर्स वहाँ से चेक करा के अपना नाम यहाँ आते हैं। हो गया कोरोना पर पहला प्रहार। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। आ गई वैक्सीन, शुरू हो गया अभियान। एक चिकित्सक होने के नाते आज ये वैक्सीन मुझे लग रही है और मैं इसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। मैं अपने देशवासियों से, अपने क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहूंगा, ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है पूरी जांच के बाद। और आइए सबसे पहले तो हम सलाम करें अपने प्रधानमंत्री के जज्बे को। मेरे लिए एक बहुत हमलिंग एक्सपीरियंस है और एक गर्व की बात भी है कि आज पहले दिन मुझे वैक्सीन लगा। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दिस। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सब लोग जब भी उनकी बारी है वो आगे आए। वैक्सीन के साथ लोगों को बहुत शंकाएं हैं, उनको दूर करें। आधा घंटा जो ऑब्जर्वेशन करना है कि कोई रिएक्शन वगैरह। किए गए हैं, ड्राई रन्स हुए हैं, विशेष तौर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी इसकी जानकारी भी
आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की दो डोज लगनी बहुत जरूरी है। कोरोना वायरस ने बहुत उत्पात मचाया, लेकिन सिर्फ 10 महीनों में वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके वैक्सीन का ब्रह्मास्त्र तैयार कर दिया। दो स्वदेशी वैक्सीन के साथ भारत विश्व में कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। पूरे देश में उत्सव है, उमंग है, क्योंकि इतिहास बन रहा है। आज तक वैक्सीनेशन के इस अभूतपूर्व इतिहास के पल पल का साक्षी है और वो देश तक इसकी हर तस्वीर सबसे पहले पहुंचा रहा है। जयपुर में सबसे पहले कोरोना का वैक्सीन जिन लोगों को लगा है उनमें 93 साल के डॉक्टर प्रेमचंद डांडिया भी हैं। यकीनन आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। काफी ज्यादा इंतजार किया जा रहा था। पिछले 12 महीने से हमने देखा किस तरीके से लाखों लोगों की पैंडेमिक के चक्कर में जान जा चुकी है। ऑब्जर्वेशन रूम आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बना दिया गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में सबसे पहले एक सफाई कर्मी को वैक्सीन आज दी गई। ये दिल्ली का LNJP अस्पताल, जो कि एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल भी रहा है, अब यहाँ पर जब टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई तो जाहिर है कि यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों में एक अलग सा उत्साह देखने के लिए मिला। जो केंद्र सरकार के अस्पताल दिल्ली में है वहाँ पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दी जा रही है, और जो दिल्ली सरकार के अस्पताल है वहाँ पर कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट की। कुल मिलाकर समूचे देश में अगर देखें तो 5000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जहाँ पर टीके लग सकते हैं, लेकिन पहले दिन 3006 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर टीके लगाए गए। जैसे चुनाव के दिन वोटिंग बूथ होते हैं उसी तर्ज पर वैक्सीनेशन सेंटर्स की तैयारी थी। हर वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने वाले निर्धारित समय पर पहुंचे और रजिस्ट्रेशन वेरीफाई किया गया। कोविन ऐप के जरिए डेटा का मिलान हुआ। इसके बाद व्यक्ति वैक्सीनेटर के पास पहुंचा जहां उसे जीवन रक्षक डोज मिली। हर सेंटर पर 5 वैक्सीनेशन डेस्क बने हैं। डोज मिलने के बाद अस्पताल में ही निर्धारित जगह पर टीका मिले व्यक्ति को आधे घंटे तक मॉनिटर करने की व्यवस्था है। भारत में लगने वाली दोनों वैक्सीन जिन्हें इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्रूवल दिया गया, दोनों मेड इन इंडिया है, तो थोड़ा सा मेड इन इंडिया टच हर जगह नजर आ रहा है। यहां पर दिल्ली में जो हिंदूराव अस्पताल में वैक्सीनेशन है उसमें देखिए किस तरीके से सेल्फी पॉइंट यानी हैशटैग गॉट द शॉट, और आप इस जगह पर आपको खड़ा होना है जब तक आप इंतजार कर रहे हैं कि आधे घंटे में कहीं कोई सिम्टम कुछ तो नहीं दिख रहे हैं ऐसे, उस दौरान आप अपने मन को ये वैक्सीन का शॉट लेते हुए एक तस्वीर के तौर पर खुश रख सकते हैं। तो आप इसके बाद उस तस्वीर को ट्वीट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं कि आपने सेल्फी ली है इस बात की कि आपको वैक्सीन का शॉट मिल चुका है। दिल्ली में 2,25,000 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगना है। उत्तर प्रदेश में 9,00,000 हेल्थ वर्कर्स का नंबर है। बिहार में 4,67,000, गुजरात में 4,00,000, पश्चिम बंगाल में 1,50,000, मध्य प्रदेश में 4, राजस्थान पंजाब में 4,50,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों का टीकाकरण चल रहा है। महाराष्ट्र में 8,00,000 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है। पूरे देश भर में 3 करोड़ ऐसे लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा जो पूरे पिछले 8 महीने में कोविड से जूझने की लड़ाई में सबसे आगे रहे, यानी जिन्हें फ्रंटलाइन वर्कर्स कहा जाता है। और यही बात मुंबई में भी चल रही है। मुंबई के करीब 9 सेंटर्स में वैक्सीनेशन का दौर शुरू हो चुका है। जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं ये सायन हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल उस इलाके में है जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। जी हाँ, मैं धारावी की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज जब पूरे मुंबई में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तब देखिए किस तरीके से वैक्सीनेशन का स्वागत किया गया। मुंबई के कूपर अस्पताल में जब वैक्सीन देने के लिए कर्मचारी अंदर आए तब उन कर्मचारियों का स्वागत ताली बजाकर किया गया। पहली कैटेगरी में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर, नर्स और दूसरे हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं। इनकी संख्या करीब 1 करोड़ है। दूसरी कैटेगरी में फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जैसे पुलिस, दूसरे सरकारी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और रक्षा कर्मी। इनकी संख्या करीब 2 करोड़ है। तीसरी कैटेगरी में 50 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं। चौथी कैटेगरी में ऐसे लोग हैं जो 50 साल से कम उम्र के हैं लेकिन उन्हें कोई न कोई बीमारी है। इन दोनों कैटेगरी को मिलाकर 27 करोड़ लोग हैं।
कुल मिलाकर जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को टीका लगना है, लेकिन ये टारगेट पूरा करने में वैक्सीन सप्लाई भी एक बड़ा फैक्टर होगा। भारत ने तेज रफ्तार शुरुआत तो कर ली है, लेकिन आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं ताकि आपको चुनौती का पैमाना समझ में आए। दरअसल जो भारत का लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए रोज 13,15,000 टीके लगने होंगे। अगर हम इसमें एक घंटे की बात कर लें तो 54,791 टीके, एक मिनट के भीतर 913 टीके, और अगर हम एक सेकंड की बात करें तो 15 से 17 लोगों को टीका लगना जरूरी है। भारत के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी आबादी को एक डोज लगाने में भी बहुत तेज रफ्तार से काम करना होगा। ये केवल एक डोज के आंकड़े हैं। दुनिया में किसी देश को इस पैमाने पर काम नहीं करना पड़ा है, इसीलिए दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। एक दिन में कितने लोगों को वैक्सीनेशन? एक दिन में कम से कम 500 लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। 500 हम लोगों को टीकाकरण कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट डे का गोल कितना है आप लोगों का? फर्स्ट डे का 500 है। और मुख्य जो हमारे पे लिस्ट आएगी डीएम ऑफिस से, अगर डीएम ऑफिस से लिस्ट आई 200 की तो 200 को लगेगा, लेकिन एक दिन में कम से कम 500 लोगों को टीका हम लगा सकते हैं, इतनी हमारी कैपेसिटी है। पहले फेज के लिए 198 दिन से लेकर 228 दिन तक का समय है। अगर मान लें कि 31 अगस्त तक पहला फेज चलेगा तो 228 दिन होते हैं, और इस समय में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाना है, यानी वक्त बहुत तेजी से फिसलेगा और सिस्टम को हर सेकंड फिसलने से बचना होगा। ये वेट करें कि बारी सबकी आ रही है, जल्द से जल्द, क्योंकि हमारी कंट्री में प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन भी काफी ज्यादा है। जैसे ये कार्यक्रम बढ़ता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग तादाद में इसको उपलब्ध होगा, फिर उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते नेक्स्ट ग्रुप्स आते जाएंगे, सबको मिलेगी। बट ये प्रोसेस शुरू हुआ है, हो सकता है कि आने वाले 2-3 महीने में सबको उपलब्ध हो जाए, क्योंकि इतनी प्रोडक्शन हो रही है। जो हेल्थ वर्कर हैं जिनको आज शुरू हुआ, सरकारी हो चाहे प्राइवेट अस्पतालों के हो, दूसरी प्रायोरिटी 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर हैं जिन्होंने अस्पताल की सेटिंग से थोड़ा बाहर रहकर पूरा संभाला, पुलिस, मिलिट्री, पैरामिलिट्रीज, और जो सैनिटेशन या दूसरे जो समझ लीजिए कॉरपोरेशन के वर्कर्स थे, सर्वेलेंस जोन्स में काम किया जिन्होंने, जो कंटेनमेंट जोन्स में काम किया फायर ब्रिगेड के, और इस तरह के। तीसरी प्रायोरिटी है देश का हर 50 साल से ऊपर का नागरिक, और चौथी प्रायोरिटी है 50 साल से कम का यंग, लेकिन अगर उसको कोई हार्ट की, किडनी की, लंग्स की या कोई भी शरीर में और बीमारियां हैं तो उनको ज़्यादा रिस्क है। तो उसी श्रृंखला में उसी तरीके से ये सारा कुछ चल रहा है। यहाँ हमें दूसरे देशों में वैक्सीन लगाने की रफ्तार से भी तुलना करनी होगी। भारत से ये उम्मीद की जा रही है कि पहले फेज में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगाने के लिए हर रोज 13,15,000 वैक्सीन लगाए जाएं, लेकिन अब तक जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार अमेरिका में एक दिन में औसतन 2,35,000 वैक्सीन लग रहे हैं, चीन में एक दिन में 3,60,000, इजराइल में एक दिन में करीब 79,000, ब्रिटेन में एक दिन में 58,824, यूएई में एक दिन में 33,955, जर्मनी में एक दिन में करीब 38,000, इटली में एक दिन में 41,863 और कनाडा में एक दिन में 11,232 वैक्सीन लग रहे हैं। यानी भारत के सामने उम्मीदों का पहाड़। लाजमी है कि हर व्यक्ति अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, पर अगर आप स्वास्थ्य कर्मी या फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में नहीं आते हैं और आपकी उम्र या मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप प्राथमिकता में हो, तो आपका इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ने यह ऐलान तो कर दिया कि ओपन मार्केट में कोविशील्ड की कीमत क्या होगी, लेकिन अभी सीरम इंस्टीट्यूट को सरकार के अलावा किसी और को वैक्सीन बेचने की इजाजत ही नहीं है। पर जब भी सरकार की ओर से वैक्सीन बाजार में उपलब्ध कराने की इजाजत मिलेगी तो इतना समझ लीजिए कि अलग अलग वैक्सीन की कीमत क्या होगी। कोविशील्ड की एक डोज की कीमत 1,000 रुपए होगी, कोवैक्सीन की एक डोज की कीमत 295 रुपए। हालांकि भारत बायोटेक ने अभी बाजार की कीमत के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया है।
फाइजर वैक्सीन 1431 रुपए की मिलेगी, मॉडर्ना 2348 से 2715 के बीच, सिनोफार्म लगभग 5650 रुपए, सिनोवैक बायोटेक 1027 रुपए, नोवावैक्स 1114 रुपए, गमालिया सेंटर 734 रुपए और जॉनसन एंड जॉनसन 734 रुपए। फाइजर के अलावा बाकी सभी वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के बीच स्टोर किया जा सकता है। तो देश में कोरोना वैक्सीन की कीमत क्या होगी उसे लेकर बहुत सारी बातचीत होती है। यहाँ पर दिल्ली में फ्री कोरोना वैक्सीन के लिए धन्यवाद मोदी जी किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से कह चुके थे कि अगर केंद्र सरकार नहीं करेगी फ्री वैक्सीन का ऐलान तो वो खुद फ्री में दिल्ली की जनता को कोरोना वैक्सीन लगाया करेंगे। लेकिन अभी कम से कम पहले चरण में जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से ही ऐलान किया जा चुका है कि फ्री वैक्सीन दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था कि अगर केंद्र सरकार लोगों को फ्री वैक्सीन नहीं देगी तो दिल्ली सरकार सबको मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी और उन्होंने इसका ऐलान कर दिया। केंद्र सरकार से मैंने अपील की थी कि हमारा देश बहुत गरीब है और इस तरह की महामारी 100 साल में पहली बार आई है। पहले इसके 1918 में इस तरह की महामारी आई थी, 100 साल के बाद इस तरह की महामारी आई है और बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है इसको अफोर्ड ना कर पाएँ। तो मेरी अपील थी केंद्र सरकार से कि पूरे देश में सभी लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबको फ्री वैक्सीन का पहले ही ऐलान कर चुकी हैं। पंजाब सरकार ने भी सबको फ्री टीका लगाने का फैसला किया है। बिहार में ये चुनावी वादा था और नीतीश सरकार भी सबको फ्री वैक्सीन की मंजूरी दे चुकी है। मध्य प्रदेश में सरकार ने कहा है कि हर गरीब को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। स्वास्थ्य की सेवा हेल्थ केयर किसी भी जिम्मेवार सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो आज हमने कहा जब भी कोविड की वैक्सीन आएगी हम फ्री उपलब्ध कराएंगे, सरकार उसकी चिंता करेगी, बिहार सरकार जो बनेगी। जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी होगी कि वो वैक्सीन का खर्चा नहीं उठा पाएंगे उन गरीबों को फ्री में लगवाएं। तमिलनाडु और केरल भी कह चुके हैं कि वैक्सीन के लिए किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको बताते हैं कि जनता के लिए फ्री वैक्सीन के लिए सरकार को कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है। सरकार ने पहले दौर की वैक्सीनेशन के लिए 54,72,000 कोविशील्ड का ऑर्डर दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट से सरकार ने जो करार किया है उसके अनुसार पहले 10 करोड़ डोज के लिए 200 रुपए प्रति डोज की खास कीमत है। एक बार ये डोज डिलीवर हो जाएंगे तब प्राइवेट कंपनियों को 1,000 रुपए प्रति डोज पर इन्हें बेचा जाएगा। दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन 200 रुपए में हम कॉस्ट प्राइस में दे रहे हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने, मोदी जी को सपोर्ट करने, हमारे देश के लोगों को सपोर्ट करने कि सब लोग को यह वैक्सीन जल्द के जल्द मिल सके। ये पहले 100 मिलियन डोज के लिए है, उसके बाद हमारी प्राइस थोड़ी कमर्शियल होगी कि हमारी पैसे जो हमने इन्वेस्ट किए थे वो भी हमें रिटर्न्स मिल सके। कोविशील्ड के अलावा सरकार ने पहले दौर लोगों को ये अच्छी तरीके से याद रखना है कि पहला डोज दिया जा रहा है, आगे अभी लंबी लड़ाई है, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।